करेंगे कुछ सवाल जवाब। तो सबसे पहला सवाल है, BMW कार इतनी महंगी क्यों होती है? नेक्स्ट है, फोन पर हेलो क्यों बोलते हैं? नेक्स्ट है, हॉस्पिटल में प्लस का निशान क्यों होता है? तो सबसे पहला है, BMW कार इतनी महंगी क्यों होती है? आप सभी ये तो जानते ही होंगे, BMW कार काफ़ी महंगी होती है, लेकिन क्या आपने कभी यह सोचा है कि BMW कार इतनी महंगी क्यों होती है? तो चलिए इस सवाल के जवाब में जानते हैं, आखिर BMW कार इतनी महंगी क्यों होती है। ये तो आप सभी जानते हैं कि BMW कार अलग अलग खूबियों के कारण आज यह गाड़ियां करोड़ों में बेची जाती है, क्योंकि यह गाड़ी काफ़ी हाई क्वालिटी की होती है, मतलब कि यह गाड़ियां एक अच्छे स्तर पर बनाई जाती है, और जिसकी वजह से यह गाड़ी सामान्य गाड़ी की तुलना में काफ़ी मजबूत और अच्छी होती है। इसके अलावा बाहर से ये गाड़ी जितनी शानदार होती है उतनी ही अंदर से भी आरामदायक होती है, और साथ ही साथ इसका इंजन भी काफ़ी बेहतरीन होता है। इंजन की आवाज़ गाड़ी के अंदर ना के बराबर आती है, कहने का मतलब यह है कि गाड़ी के अंदर इतनी शांति होती है कि आप हल्की से हल्की आवाज़ भी सुन सकते हैं। BMW कार सिक्योरिटी में काफ़ी मददगार होती है, उसके शीशे बुलेट प्रूफ होते हैं, बॉम्ब धमाकों से बच सकते हैं, ऐसे बहुत सी खूबियाँ से भरी है। इसका अंदाज़ा आप इस बात से लगा सकते हैं कि BMW की 1000 गाड़ियों में से सिर्फ एक या दो ही गाड़ी ऐसी होती है जिनके अंदर बैठे लोगों की मौत हो सकती है, मतलब कि यह गाड़ी काफ़ी शानदार होने के साथ साथ काफ़ी मजबूत भी होती है, इसलिए BMW कार इतनी महंगी होती है। नेक्स्ट है, फ़ोन पर हेलो क्यों बोलते हैं? दरअसल आजकल फ़ोन का इस्तेमाल हर कोई करने के लगा है, चाहे वो पढ़ा लिखा हो या अनपढ़। आपने अक्सर सभी को फ़ोन उठाते ही हेलो बोलते ज़रूर सुना होगा, इसलिए आप भी फ़ोन उठाते ही सबसे पहले हेलो शब्द का ही इस्तेमाल करते हैं। लेकिन क्या आप ये जानते हैं कि फ़ोन पर हेलो क्यों बोला जाता है, कोई और शब्द क्यों नहीं? तो आज हम इस सवाल के जवाब में आपको बताएंगे कि आखिर फ़ोन पर सबसे पहले हेलो क्यों बोलते हैं। सबसे पहले आपको बता दें कि 21 नवंबर 1973 से पूरी दुनिया में हेलो डे मनाया जाता है। ऑक्सफोर्ड इंग्लिश डिक्शनरी की माने तो हेलो शब्द पुराने फ्रांसीसी या जर्मन शब्द होला से निकला है। होला का मतलब होता है कैसे हो। ये तो आप सभी जानते हैं कि टेलीफोन के आविष्कार के लिए ग्राहम बेल का नाम हमेशा से याद किया जाता है। सन 1876 में ग्राहम बेल ने फोन का आविष्कार किया था। आपको बता दें कि ग्राहम बेल की गर्लफ्रेंड का नाम मार्गरेट हेलो था। सबसे पहले उन्होंने एक जैसे दो फोन बनाए, उसमें से एक फ़ोन उन्होंने अपनी गर्लफ्रेंड को दे दिया, और फ़ोन की सभी तकनीकी समस्याओं को दूर करने के बाद सबसे पहले अपनी गर्लफ्रेंड मार्गरेट को फ़ोन किया और प्यार से बोला हेलो। उसके बाद जब भी वो अपनी गर्लफ्रेंड को फ़ोन करते तो हेलो ही शब्द बोलते थे। ये उन्हीं की देन है कि आज हम फ़ोन उठाते ही हेलो बोलते हैं। नेक्स्ट है, हॉस्पिटल में प्लस का निशान क्यों होता है? आप अस्पताल में जो रेड प्लस का निशान देखते हैं वो हमारे यहाँ इस बात का प्रतीक होता है कि ये जगह बीमारी के इलाज से संबंधित है। जैसे हम कभी भी अस्पताल जाते हैं, वहाँ हर चीज़ पर रेड क्रॉस का निशान बना होता है, लेकिन उसका मतलब शायद ही किसी को मालूम होगा। दरअसल प्लस के निशान का प्रयोग चिकित्सा के क्षेत्र में किया जाता है, वह रेड क्रॉस का संकेत है।
यह संकेत हमेशा अस्पतालों, नर्सिंग होम, क्लिनिक, डिस्पेंसरी, एम्बुलेंस इत्यादि में पाया जाता है। डॉक्टर या चिकित्सा के क्षेत्र से जुड़े सभी व्यक्ति इस संकेत का उपयोग इसलिए करते हैं ताकि आपातकाल के समय उन्हें आसानी से पहचाना जा सके। यही कारण है कि चिकित्सा के क्षेत्र में लाल प्लस के निशान का प्रयोग किया जाता है। भारत में द इंडियन रेड क्रॉस सोसाइटी की स्थापना सन 1920 में की गई और पूरी दुनिया की तरह भारत में भी रेड क्रॉस का चिन्ह माननीय सेवा के एक प्रतीक के तौर पर उभरा। भारत 1949 के उस जिनेवा कन्वेंशन का भी हिस्सा रहा जिससे रेड क्रॉस और रेड क्रिसेंट के चिन्ह को सेना के मेडिकल सर्विस में इस्तेमाल करने की घोषणा की गई। इस तरह से कुछ सवाल और जवाब है। धन्यवाद।